दोस्तों, क्या आपने एक ही एक्सेल वर्कबुक में रखी हुई अलग अलग मल्टीपल सीट से पाइवोट टेबल इंसर्ट कराया है? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक ही वर्कबुक में रखी हुई मल्टीपल सीट के बीच में रिलेशन क्रिएट करके पाइवोट टेबल को बड़ी आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास डेटा क्या है। यहाँ पर मेरे पास शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा अवेलेबल है जो चार अलग अलग सीट में है। यह है शीट 1, शीट 2, शीट 3 और शीट 4। यह है शीट 1। यहाँ पर एक ही कॉलम है और यहाँ पर मेरे पास शूज टाइप की डिटेल है। यहाँ पर टोटल 43 टाइप के शूज हैं, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर शीट 2 में मेरे पास शूज टाइप के साथ शूज कलर की इंफॉर्मेशन भी है। यहाँ पर शीट 3 में मेरे पास शूज टाइप के साथ शूज कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर शीट 4 में शूज टाइप के साथ शूज साइज की भी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी कि यहाँ पर चारों शीट में शूज टाइप का कॉलम कॉमन है और दूसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि कलर, कैटेगरी और साइज की इंफॉर्मेशन अलग अलग शीट में दी गई हुई है। अब दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हमें काम क्या दिया गया है। हमें कहा गया है कि हमें इन चारों शीट को मिलाकर एक पाइवोट टेबल इंसर्ट कराना है, और ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं। और एक्सेल में इनबिल्ट एक टूल आता है जिसका नाम है रिलेशनशिप। तो दूसरी मेथड में आप इन चारों सीट के डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप पाइवोट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं सिर्फ एक ही बार में। तो अगर आपको अलग अलग सीट के डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं आता है तो आप ये काम मैन्युअली कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट शीट में जाएंगे और यहाँ पर इस कॉलम में आप वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से दूसरी सीट से कलर को लेके आएंगे। फिर से आप यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, तीसरी सीट से आप कैटेगरी को लेके आएंगे और फिर से आप यहाँ पर भी वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और चौथी सीट से साइज को लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप वी लुकअप या फिर इंडेक्स मैच फॉर्मूला की मदद से कलर, कैटेगरी और साइज की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लेके आएंगे और उसके बाद आप पाइवोट टेबल इंसर्ट कराएंगे। तो ये था मैनुअल तरीका, लेकिन इस वीडियो में मैं जो तरीका आपको सिखाने वाला हूँ वो आपका काफ़ी सारा टाइम बचाएगा। तो चलिए, इस काम को कैसे किया जाता है देखते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो कॉलम है वो कॉलम इस शीट में भी है, इस शीट में भी है और यहाँ पर इस शीट में भी है। और ये जो कॉमन कॉलम है उसका नाम है शूज टाइप। अगर आपके पास एक्सेल अलग अलग शीट्स है और इन सभी शीट्स में कोई कॉमन कॉलम नहीं है तो आप टेबल के बीच में या फिर डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इन चारों शीट के डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें इन चारों डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं शीट 1 में आऊँगा, इस डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल टी, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्रिएट टेबल, मेक श्योर माई टेबल हैज हेडर चेक बॉक्स आप सिलेक्ट ही रखें। मैं यहाँ से ओके करूंगा तो ये डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस टेबल का मैं नाम यहाँ से चेंज कर लूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा टाइप, क्योंकि इस शीट का नाम है शूज टाइप, तो टेबल का मैंने नाम रखा है टाइप। अब मैं शीट 2 में जाऊंगा, इस डेटा को भी मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, यहां से मैं ओके करूंगा। इस टेबल को मैं नाम दूंगा कलर। फिर मैं शीट 3 में जाऊंगा, इस डेटा को भी मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, यहां से मैं ओके करूंगा। इस टेबल को भी हम एक नाम देंगे और इसका नाम होगा कैटेगरी। फिर मैं शीट 4 में जाऊंगा, इस डेटा को भी मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करना है, यहां से ओके करना है और इस टेबल को नाम देना है साइजेस। तो इन चारों डेटा को हमने ऑफिशियली टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और इन चारों टेबल को हमने एक नाम भी दे दिया है। अब हमारे पास चार अलग अलग टेबल है और इन चारों टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको शीट 1 में रहना है, डेटा टैब में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। न्यू रिलेशनशिप के लिए आपको ये बटन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको चार अलग अलग टेबल दिखेंगे, वही टेबल जिस टेबल के हमने नाम दिए थे, टाइप,
कलर, कैटेगरी और साइज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइज के टेबल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर रिलेटेड टेबल के लिए हमें सिलेक्ट करना है कैटेगरीज को। अब यहाँ पर कॉलम फॉरेन के लिए हमें वही कॉलम सिलेक्ट करना है जो इन सभी टेबल में कॉमन है। तो शूज टाइप का कॉलम कॉमन है तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा, और रिलेटेड कॉलम के लिए भी मैं यहाँ पर शूज टाइप को ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन कॉलम को ही सिलेक्ट करना है जो सभी टेबल में कॉमन है। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर आप एक्टिव रिलेशनशिप देख सकते हैं दो टेबल के बीच में। फिर से हमें यहाँ पर न्यू को क्लिक करना है। अब मैं यहाँ से टेबल सिलेक्ट करूँगा फिर से साइज का, और यहाँ पर मैं टेबल सिलेक्ट करूँगा इस बार कलर का। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है शूज टाइप, और यहाँ से भी हमें सिलेक्ट करना है शूज टाइप। यहाँ से मैं ओके करूँगा। फिर से मैं यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, यहाँ से मैं टेबल सिलेक्ट करूँगा साइज का, यहाँ से मैं अब टेबल सिलेक्ट करूँगा टाइप का, यहाँ से कॉलम सिलेक्ट करना है शूज टाइप, और यहाँ से भी कॉलम सिलेक्ट करना है शूज टाइप। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप कैसे बनाया, हमने शू साइज को शू कैटेगरी से कनेक्ट किया, शू साइज को शू कलर से कनेक्ट किया, और फिर से शू साइज को शू टाइप से कनेक्ट किया है। अब हमने यहाँ पर इन चारों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर लिए है। अब बारी है पाइवोट टेबल को इंसर्ट कराने की। तो सबसे पहले तो आपको ये डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवोट टेबल सिलेक्ट करना है। हमें पाइवोट टेबल चाहिए न्यू वर्कशीट में, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। अब यहाँ पर मेन बात, अगर आपको इन चारों टेबल को मिलाकर पाइवोट टेबल इंसर्ट कराना है तो आपको ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट ही रखना है, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर पाइवोट टेबल इंसर्ट हो चुका है। राइट हैंड साइड आप पाइवोट टेबल फील्ड देख सकते हैं। इसका व्यू मैं चेंज कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पर आप सिर्फ एक ही टेबल देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको चारों अलग अलग टेबल यहाँ पर दिख जाएंगे, और अब आप पाइवोट टेबल बड़ी आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से शूज टाइप को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, इस टेबल से मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगा, और साइज वाले टेबल से मैं साइज को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब में, सब टोटल को कहूँगा डू नॉट शो सब टोटल, ग्रांड टोटल को मैं कहूँगा ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, और यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट को मैं करूँगा टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाइवोट टेबल बड़ी आसानी से इंसर्ट हो चुका है चारों टेबल को एक साथ मिला के, और यहाँ पर हमने कोई एक्सेल फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर शूज टाइप के साथ साथ आपको शू कलर भी मिल चुका है, शू कैटेगरी भी मिल चुकी है, और यहाँ पर शू साइज भी आपको मिल चुकी है। अगर आपको ये माइनस बटन को हटाना है तो आपको एनालाइज टैब में जाना है, और इस बटन को आपको अनसिलेक्ट करना है। तो यहाँ से माइनस बटन हट जाएंगे। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने इन चारों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करी, और उसके बाद हमने इन चारों टेबल को मिलाकर पाइवोट टेबल इंसर्ट किया। तो ये थी पहली मेथड। दूसरी मेथड में आपको खुद से इन चारों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करनी है, आपको सिर्फ पाइवोट टेबल इंसर्ट करना है, और पाइवोट टेबल अपने आप ही पूछेगा कि हमें इन चारों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं दूसरी मेथड से इस काम को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वर्कबुक ओपन कर ली है, यहाँ पर सेम डेटा है, और यहाँ पर मैंने एक काम ऑलरेडी करके रखा है कि इन चारों शीट के डेटा को मैंने ऑलरेडी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर खुद से इन चारों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करनी है। सबसे पहला काम, हमें इस पहली वाली शीट के ऊपर ही रहना है, इस टेबल को हमें सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवोट टेबल में जाना है, और यहाँ से हमें पाइवोट टेबल इंसर्ट कर लेना है। हमें पाइवोट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट ही रखना है, और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इसे हमें सिलेक्ट ही रखना है। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम इन चारों टेबल को मिलाकर पाइवोट टेबल इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो पाइवोट टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर आप एक ही टेबल देख सकते हैं। हमें यहाँ पर ऑल करना है तो आप चारों टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टेबल से शूज टाइप को सिलेक्ट करूँगा, इस टेबल से कलर को सिलेक्ट करूँगा, कैटेगरी वाले टेबल से कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर साइज वाले टेबल से साइज को सिलेक्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखना कि हमें यहाँ पर क्या वार्निंग मिल रही है, तो मैं यहाँ पर साइज को सिलेक्ट करूँगा। तो देखा दोस्तों, हमें यहाँ पर वार्निंग मिली है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स मे बी नीडेड।
तो मैं यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ऑटो डिटेक्ट। तो एक्सेल अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट करके रिलेशनशिप क्रिएट कर लेगा हमारे लिए। मैं इसे क्लोज करूंगा। मैं डिजाइन टैब में जाऊंगा, सब टोटल को कहूंगा डू नॉट शो सब टोटल, ग्रांड टोटल को भी मैं ऑफ कर दूंगा और रिपोर्ट लेआउट को मैं टेबुलर में करूंगा। माइनस बटन को मैं एनालाइज टैब में जाके यहां से हटा दूंगा। तो देखा दोस्तों, इस दूसरी मेथड से हमने इस काम को और भी आसानी से कर दिया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।